ये तो हम सबको ही पता है कि हमारे टूथपेस्ट में नमक है और हमारे टूथपेस्ट में लौंग है एंड हमारे टूथपेस्ट में नीम भी है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे टूथपेस्ट में सोडियम लॉरियल सल्फेट है जो कि एक हानिकारक इंग्रेडिएंट है जिसका काम डिटर्जेंट में झाग बनाना है, पर हमें इसके बारे में कोई नहीं बताता। मार्केट के लीडिंग ब्रांड्स की टूथपेस्ट जो हमारे बाथरूम के शेल्फ्स पे हैं, उनमें और भी हानिकारक इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि तो कुछ बाहर के देशों में बैंड भी है। इसी लैक ऑफ अवेयरनेस एंड ओरल हाइजीन पे ध्यान नहीं देने की वजह से डेंटिस्ट की फीसों में हम सबकी जेबें खाली हो गई हैं। इंडिया में स्किन केयर एंड पर्सनल केयर के लिए तो बहुत सारे क्लीन और इफेक्टिव सॉल्यूशंस हैं, बट ओरल केयर का क्या? इसलिए हम लाए हैं परफोरा। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है तुषार खुराना, मैं 28 साल का हूँ एंड मैं करनाल हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है जतन बावा, मैं 29 साल का हूँ एंड मैं बलारपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ एंड हम हैं फाउंडर्स परफोरा के। हमने इंडिया का पहला मेड सेफ सर्टिफाइड टूथपेस्ट इंट्रोड्यूस किया है जो इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड नेचुरल फ्लेवर से बना है। परफोरा एक यूनिक एंड कंप्लीट ओरल केयर ब्रांड है जो ना कि सिर्फ टूथपेस्ट बल्कि स्मार्ट इलेक्ट्रिक टूथब्रश, अल्कोहल फ्री माउथवॉश, स्मार्ट वाटर फ्लॉसर, टीथ व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स सेल करता है एंड हम पर्सनलाइज्ड इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस भी ऑफर करते हैं अपनी ब्रांड वेबसाइट पे। अगस्त 2021 से अब तक की हमारी ब्रांड जर्नी में हम लोग 40,000 से भी ज्यादा कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं। शार्क्स, हमारा विजन है कि हम ओरल केयर इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दें एंड अगले 5 साल में 1 करोड़ वॉशरूम्स में परफोरा के प्रोडक्ट्स पाए जाएं। आज हमारा आस्क है 80 लाख फॉर 1% इक्विटी हमारी कंपनी में। 80 लाख फॉर 1%? That's correct. मेरे को 2-4 कैविटी हो गई। तो जतन एंड तुषार, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। आज की डेट में एटलीस्ट 50 स्टार्टअप्स होंगी जो इस स्पेस में मैं देख चुका हूँ। सर, आई थिंक वी आर द फर्स्ट वंस हु स्टार्टेड द। हाँ, पर बहुत ही एक्साइटिंग स्पेस है, मजा आएगा आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने में। तो शुरुआत करते हैं, आप क्या पढ़ाई करी, कहाँ बड़े हुए और कैसे ये एंटरप्रेन्योरशिप का ख्याल आया आपके मन में? 10th तक स्कूलिंग बलारपुर में हुई, बहुत छोटा टाउन है, काफी लिमिटेड एक्सपोजर था। उसके बाद एम्बिशन हमेशा से बड़ा था लाइफ में कि कुछ बड़ा करना है तो बड़े शहर में जाके कुछ शायद मैजिक हो, इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी गया पढ़ने, बीकॉम ऑनर्स खालसा कॉलेज। सो मैं करनाल में था क्लास 7th तक, उसके बाद मैंने 6 इयर्स देहरादून में एक बोर्डिंग स्कूल में स्पेंड किए, फिर मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, SRCC से बीकॉम ऑनर्स ही पढ़ी है। कैसे ये एंटरप्रेन्योरशिप का ख्याल आया आपके मन में? हम लोग एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में मिले थे जिसका नाम है जागृति यात्रा। So, ये एक चार्टर ट्रेन है जिसमें 500 एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड चेंज मेकर्स होते हैं। तो यात्रा में ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप बहुत सारे लोगों से मिलो। सो इसी तरह मेरी तुषार से मुलाकात हुई एक फ्रेंड के थ्रू जो मेरे कोहोर्ट में था। तुषार से मिलके 2-3 चीजें जो मुझे अभी काफी अच्छे से याद है, एक वो भी आंसर्स ढूंढ रहे थे जैसे मैं आंसर्स ढूंढ रहा था लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए कि क्या करना है। वो भी एक स्टार्टअप में काम कर रहे थे, मैं भी एक स्टार्टअप में काम कर रहा था, तो वहाँ पे एक कनेक्ट था। तो उस शॉर्ट मुलाकात के बाद हमने 1-2 बार और इंटरेक्ट किया यात्रा में, उसके बाद फिर हम दोनों ही गुड़गांव में बेस्ड थे तो हमने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलना स्टार्ट किया एंड दोस्ती हमारी बढ़ती गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ पार्टनर मिलना तो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा ईजी है, उसके लिए 10 ऐप्स या वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, लेकिन बिजनेस पार्टनर के लिए एक भी जरिया नहीं है। जी, जो ट्रस्ट लेवल है या जो एक कमराडरी एक को-फाउंडर वाले पीस में होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे रिलेशनशिप में भी वही हुआ है कि हम यात्रा में मिले, साथ में काम किया, फ्रेंडशिप इवॉल्व हुई एंड फाइनली हम बिजनेस पार्टनर्स बने। वाओ, और यहाँ पे क्या रोल्स हैं आप दोनों के? सो मैं देखता हूँ सेल्स एंड अकाउंटिंग फाइनेंस। मैं देखता हूँ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ऑपरेशन, सप्लाई चेन एंड ब्रांड कम्युनिकेशन। प्रोडक्ट्स दिखाइए, सैंपल्स आइए और साथ में यहाँ पास आके अपने दांत भी दिखाइए। सो
So, हम आपके लिए personalized toothbrushes for everybody is there and this is a gift box which we're trying to build. Lavender. Which one? This lavender. One. And what is that? That's a mouthwash packaging. तुम्हारे दांत दिखा। थोड़ा काम है। एक कंपनी है, इसका नाम सुना है Perfora। वो एक टीथ व्हाइटनिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। वो यूज किया? Yes sir. अच्छा, फिर से यूज कीजिए। I'm not taking everything, but what is this? This is a toothpaste. Toothpaste और ये माउथ वॉश है जिसकी पैकेजिंग आपके हाथ में ये भी टूथपेस्ट है जैसे डिफरेंट फ्लेवर नो इट्स अ मॉर्निंग इवनिंग ओके यस ओ पीयूष तो ये इलेक्ट्रिक टूथब्रश है ना ओ वाओ नाम लिखा है यहां हाउ स्वीट ये बहुत अच्छा पर्सनलाइजेशन किया हुआ है ये आपका प्रोडक्ट में दम है प्रोडक्ट देखने में भी बड़ा कूल है डिलीशियस टूथपेस्ट है येलो वाली जो भी है पता नहीं सब एक ही फ्लेवर के है कि लेमन मिंट इट्स वेरी रिफ्रेशिंग है फ्लेवर इतने बढ़िया लेमन मिंट एंड लैवेंडर रोज फैंटास्टिक ग्रेट जॉब ये सच में बड़े बड़े ब्रांड्स के टूथपेस्ट में SLS और पैराबेंस होता है जो आपके टूथपेस्ट में नहीं है हां जी 100% जो नंबर 1 ब्रांड है उसमें SLS है 200% हर ब्रांड के टूथपेस्ट में 3 इंग्रेडिएंट्स आपको जरूर मिलेंगे एक है सोडियम लॉरियल सल्फेट विच इज SLS दूसरा है टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड तीसरा है सोडियम सैक्रिन एंड तीनों ही बहुत क्वेश्चनेबल इंग्रेडिएंट्स है और झाग सेम आता है क्योंकि झाग SLS से आता है ना झाग के लिए हमने अल्टरनेट इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं जो थोड़ा कम आता है बट आपको ऐसे नहीं लगेगा कि साफ नहीं हुआ है कि साफ नहीं हुआ पर ऐसे और प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं मार्केट में अब जो यही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं बट हम पहले थे अरे आप पहले क्या आप नंबर 1 हो यार पर और भी आ गए सेलिंग प्राइस क्या है कंपेयर टू जो पॉपुलर ब्रांड्स है मास प्रोडक्ट्स अगर हम टूथपेस्ट की बात करें तो कोलगेट 100 रुपीस फॉर 100 ग्राम्स बिकता है हमारा है 100 ग्राम्स फॉर 249 सेलिंग प्राइस तो 2.5 times प्राइस ये जो टीथ व्हाइटनिंग का है ये एविडेंस और साइंस बेस्ड है राइट क्योंकि मैं अभी देख रही थी इस पे कोई क्लेम नहीं है कि इतने हफ्तों में इतने दिनों में इतने महीनों में यू विल सी विजिबल रिजल्ट्स व्हेयरएज यूएस के सब प्रोडक्ट्स पे होते हैं क्लेम्स तो आपने क्लेम क्यों नहीं किया है हमने क्लेम इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो इंटेंशन है हम कुछ फॉल्स क्लेम नहीं करना चाहते हमने जो इंग्रेडिएंट कंपोजिशन यूज किया है उसकी क्लिनिकली रिसर्च स्टडीज है कि वो एफिकेसिस है कितने दिन में मेरे टीथ व्हाइट होंगे 4 weeks में आपको 3 shades विजिबली व्हाइटर टीथ देता है और आपके पास डेटा है ऑफ यूजर्स प्लान है स्टडीज कंडक्ट करने का यूजर्स को इंटरव्यू करने का बिकॉज़ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन क्विक वन क्योंकि आपकी प्राइस फॉर अ टूथपेस्ट इज 3.5 times नॉर्मल टूथपेस्ट चांस है कि मे बी अ बिग मल्टीनेशनल या बिग इंडियन कंपनी आपके पास आए और बोले मेरे को आपको अक्वायर करना है तो आपका जवाब क्या होगा हमें लेगेसी ब्रांड बनाना है हम 20-25 साल आराम से बिताना चाहते हैं ओरल केयर में एंड टू पुट इट इन बेसिक लैंग्वेज कोलगेट 2.0 इंडिया से बनेगा और वो हम बनाएंगे अरे वाह विजन तो कमाल का है आई लाइक द एग्रेशन समीर ने आपको फंड करा है ना हां जी हां जी मेरा को-फाउंडर ने हां जी हां जी बट समीर तो बहुत अर्ली पे आया था जब आपने स्टार्ट किया था 2 rounds किए एक प्री रेवेन्यू था अप्रैल 2021 में जी तब हमने 2 crore रुपए रेस किए थे एट 13 crores पोस्ट मनी फिर अभी रिसेंटली हमने फरवरी में एक टर्म शीट क्लोज की थी जिसमें हमने 7 crores रेस किए 39 crores पोस्ट मनी 5 महीने में वैल्यूएशन डबल 39 crores से 80 crores चले गए क्या है ये चमत्कार और क्यों हमारा बिजनेस 2.5x हो गया है फरवरी से लेके अगस्त तक ये अच्छा एंड हमारी वैल्यूएशन सिर्फ 2x हुई है तो क्या किया कि 5 मंथ्स में सेल्स बिकेम 2.5 times प्रोडक्ट्स ऐड हुए जो एग्जिस्टिंग चैनल्स थे उनको बढ़ाया जो एग्जिस्टिंग चैनल्स चल रहे थे उसमें भी हम डीप गए कस्टमर्स को समझा बेटर कैसे कर सकते हैं अपनी कस्टमर सर्विस डिलीवरी प्राइसिंग सब कुछ आप बर्न कितना करते हो और मार्केटिंग पे कितना खर्च किया लास्ट मंथ हम लोग ने ग्रॉस 89 लाख किया आफ्टर रिमूविंग GST दैट इज 77 लाख एंड 77 लाख में हमारा बर्न 27 लाख का है सो अबाउट 32-33% और ग्रॉस मार्जिन कितना है ग्रॉस मार्जिन ऑन पोर्टफोलियो 57% है अभी बस मार्केटिंग कॉस्ट कितना है पर मंथ रेवेन्यू का अराउंड 45% फॉलोअर्स कितने हैं अभी 10.2k बहुत कम फॉलोअर्स हैं यार इतनी सेल में आपके आप लेवरेज नहीं कर रहे हैं सोशल मीडिया को आप ज्यादा पेड मार्केटिंग पे अपना इसलिए आपका इतना खर्चा आ रहा है
आपका खर्चा इसलिए क्योंकि आप बहुत जल्दी में हो। आप इतनी जल्दी में क्यों हो ग्रो करने की? हम इसलिए जल्दी में हैं बिकॉज जैसे पीयूष ने कहा, इस कैटेगरी में बहुत कॉम्पिटिशन आ रहा है एंड आने वाला है। भाई 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 नहीं भाई भाई, देखो अब तो 10 साल में 3 साइकिल हो चुकी हैं। कंपनीज बनती हैं, कंपनीज खत्म हो जाती हैं, एंड में कंपनीज वो जीतती हैं जो लॉन्ग टर्म सोचती हैं। आप बार बार कह रहे हो हम पहले थे, कोई मैटर नहीं करता है पहले थे या दूसरे थे। जो मैटर करता है कि आप आखिर तक रहेंगे नहीं रहेंगे। आपका सबसे बड़ा वेपन जो है दैट इज टू यूज फियर टू सेल योर प्रोडक्ट्स। कि आप अपने मुंह में क्या डाल रहे हो, तो आपने एफिकेसी या फियर या दोनों की कॉम्बिनेशन अभी तक यूज क्यों नहीं किया टू सेल योर प्रोडक्ट्स? बिकॉज हमें कंज्यूमर को एक दूसरा लेंस दिखाना है कि यार हर बंदा एक 4 लाइनें यूज कर रहा है, 5x प्लाक रिमूवल, 3x व्हाइटन टीथ। अगर हम सेम चीजें यूज करेंगे अनुपम, तो हम स्टैंड आउट नहीं कर पाएंगे कम्युनिकेशन में। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा अनुपम, जैसे कॉन्टैक्ट लेंस है और चश्मा भी है, सदियों से मेडिकल कैटेगरी है, पूरी मेडिकल कैटेगरी को हम फैशन की तरह बेच रहे हैं। अगर आप कोई कैटेगरी को शेकअप करना चाहते हैं, एक प्रोवोकेशन होना चाहिए। हमारी भी लर्निंग्स रही है, वी आर नॉट द स्मार्टेस्ट पीपल, हम भी सीख रहे हैं। एंड ऑनेस्टली जो हमारी अगली प्रोडक्ट लाइन आ रही है टूथपेस्ट में, वो इतनी प्राइस कंपेटिटिव है। एंड अनुपम आपका जो पॉइंट है, वी विल प्रोवोक द कंज्यूमर बट इन नॉट इन अ मेडिकल वे बट इन आवर ओन वे। आर यू ओपन टू द आइडिया कि इसको प्रॉफिटेबली बिना बर्न किए ग्रो करना है? कि आपके इन्वेस्टर्स ने बोला है कि इसको बर्न करके ग्रो करो? हमें इवेंचुअली विनीता प्रॉफिटेबल ब्रांड ही बनाना है। जैसे मैंने कहा वेरी वेरी ऑनेस्टली कि ये 20-25 साल का मिनिमम गेम है हमारे लिए, इसको आइकॉनिक लेगेसी ब्रांड बनाना है। एंड जिन ब्रांड्स को हम लुकअप भी करते हैं, फॉर एग्जांपल वन ऑफ आवर फेवरेट ब्रांड्स इज मेथड इन द US। ऑफ कोर्स वो एक्वायर हो गया, लेकिन फाउंडर काफी विजनरी था, उसने मल्टीपल ब्रांड स्टार्ट किए। इंडिया में फेवरेट ब्रांड कौन सा है? इंडिया में फेवरेट ब्रांड मेरा तो लिशियस है। और भाई लेंस कार्ड और बोट शुगर? गलत जवाब, ये गलत जवाब, ये आपका गलत जवाब। हमारा ऑफर है वैल्यूएशन, हम रेवेन्यू पे देंगे। आपका करंटली रेवेन्यू रन रेट जो है वो 10 करोड़ का नेट रेवेन्यू है, तो उस पे नमिता एंड आई वांट टू ऑफर यू अ वैल्यूएशन ऑफ 20 करोड़। सो व्हिच इज आपकी जो आस्क है 80 लाख फॉर 4%, 2% फॉर नमिता, 2% फॉर मी। नमिता विल ऑफ कोर्स ब्रिंग हर होल हेल्थ टेक एंगल एंड आई विल ब्रिंग माय ब्रांडिंग एंड कंटेंट एंड कम्युनिटी। Thank you so much because it means really a lot to us. Ye offer as not very smart entrepreneurs but decent entrepreneurs hum nahi lena chahenge because hame lagta hai ki ye hamare existing shareholders ke liye bhi wealth creation nahi hai. I agree. Agar aap 20 saal chalana chahte ho to unka wealth creation IPO mein hoga. Abhi round mein unko wealth creation shark se karne ki zarurat hai. Mujhe ek strategy bataiye. आप यहां से आपका नेक्स्ट माइलस्टोन क्या है? नेक्स्ट माइलस्टोन है 2 करोड़ मंथली रेवेन्यू, जो हम नेक्स्ट 9 मंथ्स में अकम्प्लिश करना चाहते हैं। एट व्हाट लॉस? 15% एबिट्टा होगा। पॉजिटिव? नेगेटिव। एंड 3 CR पे इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स एंड उस टाइम पे वी विल ब्रेक इवन एबिट्टा एट 0। तो टू गेट टू 3 करोड़ ब्रेक इवन इन 15 मंथ्स कितने कैपिटल की जरूरत पड़ेगी? So, जो हमारे पास कैपिटल पड़ा है प्लस इफ यू आर एबल टू रेज और जो हमको आज रेज करना है, ये सफिशिएंट रहेगा हमको 3 CR पे लेके जाने के लिए। एक प्रपोजल है सबके लिए, अगर 5 शार्क्स आते हैं तो आप क्या डील देंगे? द 5 शार्क प्रीमियम। वो आपका लास्ट राउंड 32 प्री मनी पे हुआ था, उससे क्या बेहतर देंगे हमें? उससे बेहतर देना तो नहीं हो पाएगा ऑनेस्टली, बिकॉज हम अपने एम्प्लॉयज के भी फेयर होना चाहते हैं। उन्होंने 40% पे कट लिया है हमारा सपना साकार करने के लिए, तो उससे नीचे आना तो हमारे लिए ऑनेस्टली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो 80 लाख पे आपकी जो पुरानी प्री मनी वैल्यूएशन है उस पे 2.5% बनेगा लगभग, वो आपको मंजूर है? फिर देखते हैं कौन शार्क्स लेने हैं। ये लोएस्ट ऑफर हो गया और बेस्ट ऑफर हो गया, इससे नीचे कोई जाएगा ही नहीं। 82.5 पे वो पोस्ट हो जाएगा,
लास्ट टाइम वो प्री था 32. तो अनुपम आपका क्या व्यू है? नहीं नहीं, इनको जवाब तो देने दीजिए. तो वो ओके है, अगर फिर हम देखते हैं कौन इन है कौन आउट है. डिस्कस करते हैं. वी विल डू इट इफ इट्स अ 5-star डील, ऑल स्टार डील. भाई मैंने मेरा डिसीजन बना लिया. मैं आपको बता देता हूँ, आई थिंक आई एम गोइंग टू गेट आउट. मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अभी तक आपने कुछ डिसरप्टिव नहीं किया. अगर कोई भी एस्टैब्लिश कैटेगरी में आप घुसोगे जहाँ इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टीज है, आपको यूजर को प्रोवोक करना पड़ेगा. एक अच्छा फॉन्ट और एक अच्छे कलर से वो अटेंशन आपको एस्टैब्लिश ब्रांड कैटेगरी में नहीं मिलेगा. I think you have some ways to go. For that reason, I'm out. Good luck. मुझे लग रहा है कि valuation is too high for me to enter. Is what I feel. I think I missed the boat in this case. I would also be out in this case. We're very sorry to hear that. Yeah. देखिए मैंने अपना चेक 16 लाख 40 लाख मुझे समझ ही नहीं आ रहा है. पर आप ही नहीं, आप ही नहीं, और आप भी नहीं. मैं भी इन हूँ. चलो करते हैं यार, रिस्क लेते हैं. तो हमारा ऑफर है 80 लाख, 3 शाक आ रहे हैं 2.5% जो आपका प्रीवियस प्री मनी वैल्यूएशन. सेम शेयर प्राइस, सेम वैल्यूएशन. डील पक्की शाक. ऑसम. तीन बार चेक. 26 लाख 66,000. देखो यार, फ्यूचर ब्राइट है, पर लॉन्ग टर्म सोचो. लॉन्ग टर्म ये लीजिए, आप चेक लीजिए. गुड लक फेलोस. गुड जॉब गाइस. थैंक यू. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. लक एंड लव द ब्रांड. ये वाली डील हमारे बहुत पैसे बनाएगी. आई लाइक दिस.